हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। आज हम बनाएंगे एक और नया डिश जिसका नाम है मखंडी हलवा। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी डिश है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है लेकिन थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है। इसे ज़रूर बनाइए घर पे और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना था। वीडियो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स। इस हलवा में हमने सारा इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नाप कर रख लिया है। प्रोपोर्शन हम स्क्रीन में फ्लैश कर रहे हैं, नोट कर लें। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, जो है 500 ml, जिसे मैंने बॉईल भी कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर में है। इसे हम लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1 कप तेल, 2 बड़ा चम्मच बादाम जिसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है, 1 कप सूजी जिसे मैंने हल्का भून लिया है, 2 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, या आप चाहें तो क्रश करके डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। यहाँ हम दूध लेंगे, दूध में हम भुना हुआ सूजी को ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसे चला लेंगे। दूध को हम कम से कम 20 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि ये दूध में भीग कर अच्छे से फूल जाए। आप चाहें तो इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट रेसिपी है इसीलिए इसे 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और पैन पे हम 1 कप तेल ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम 2 कप चीनी भी ऐड कर देंगे। जनरली क्या होता है, जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो वो अच्छे से घुल जाता है, लेकिन जब हम तेल में चीनी ऐड करते हैं तो ये कैरेमलाइज हो जाता है, चीनी अपना कलर चेंज कर लेता है। इसी में ये हलवा का खासियत है, जब तक चीनी कैरेमलाइज होता है तब तक हम बादाम को बारीक काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीनी कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम हाई ना करें, इससे तेल गर्म होगा और चीनी मेल्ट होकर जल जाएगा। इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, हर 2-2 मिनट में आकर इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी अपना कलर चेंज करने लग गया है, देखिए फ्रेंड्स। जनरली हम सूजी का हलवा जब बनाते हैं तो सूजी डालने के बाद ही हम चीनी ऐड करते हैं, लेकिन मखंडी हलवा में हम चीनी को पहले कैरेमलाइज करते हैं, उसी से इसका कलर आता है। देखिए, अब हम सूजी और दूध का मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सूजी बहुत अच्छे से फूल चुका है, जबकि अब देखिए तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो जब आप इस मिक्सचर को डालेंगे तो बहुत ही ध्यान से डालें वरना आपके हाथों में छींटे पड़ सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ही हम दूध का मिक्सचर डालते हैं वैसे ही चीनी हमारा हार्ड हो जाता है, तो इससे आप घबराइए नहीं, आराम से हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाइए। जब चीनी गर्म हो जाएगा तब ये हलवा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं सूजी के छोटे छोटे गांठ बन गए हैं, बिल्कुल ना घबराएं। इसे हम इसी तरह से मिक्स करेंगे धीरे धीरे। जब ये हलवा बनने लग जाएगा तब ये गांठ भी खुल जाएगा उसमें। गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम रखिएगा। हलवा को चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ बादाम को डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच बादाम हम गार्निश के लिए रख लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा का कलर कितना अच्छा आया है, इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। आप लोग सोच रहे हैं इस हलवा में इतना सारा तेल है, लेकिन जब हमारा हलवा बन जाएगा तब हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल अलग से निकाल देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, हलवा बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसे ऐसे ना छोड़ें, इसे चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम अलग से चम्मच के मदद से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हलवा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ इतना ही तेल कलेक्ट कर पाई हूँ और इसे हम पराठा में यूज़ करेंगे। बादाम से गार्निश करिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। तो लीजिए, बन गया हमारा मखंडी हलवा, इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यूनिक डिश है। इस रेसिपी में ना हल्का सा रबड़ी वाला टेस्ट आता है, तो मेरे साथ आप लोग नई नई डिश बनाइए और घर पे ढेर सारी तारीफ़ें पाइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपने एंजॉय किया है।
अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लोग मुझे प्यारी प्यारी कमेंट्स देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय।